एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है 4 मार्च और आज है मेरी बेटी का बर्थडे, तो मैं उसी से रिलेटेड कुछ वीडियो आप लोगों के साथ शेयर की हूँ। तो प्लीज़ आप लोग एंजॉय की। और यहाँ पर मेरी बेटी ट्यूशन जा रही है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4-5 कुत्ते और मंकी वो वहाँ पर बैठा है। पता नहीं आप लोग को दिख रहा है कि नहीं। हाँ, छोटा सा मंकी बैठा है, तो वो देख के डर रही है और बोल रही है मम्मा कैसे जाऊँ मैं ट्यूशन। और उसी को सब मैं भगाने की कोशिश कर रही हूँ। और बहुत डॉगी हो गए हैं मेरे कॉलोनी में, बहुत ज़्यादा हो गए, बच्चों को बहुत परेशान करते हैं। तो वो वही डर रही है, बोल रही है कैसे, उसका टाइम भी हो रहा था ट्यूशन का। तो मैंने सोचा इसका छोटा सा मैं क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करूं, बहुत मज़ा आ रहा था मुझे तो। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आप मेरा फेस देख सकते हैं, मेरे फेस पे कितनी स्वेलिंग आ गई है, बहुत ज़्यादा सूज गया है मेरा फेस। और वो इसलिए क्योंकि मैं 6 बजे सो के उठी हूँ और लिटरली आजकल इतना ज़्यादा मैं थक जा रही हूँ, इतना ज़्यादा थक जा रही हूँ ना, मतलब होली का काम, फिर एग्ज़ाम और पूछिए मत, इतना ज़्यादा काम हो जा रहा है आजकल। तो आज दिन भर काम करती हूँ, शाम को मैं सुस्त हो जाती हूँ। और मुझे 6 दिन हो गया वीडियो डाले हुए, मैं कोई वीडियो नहीं मेरा गया, तो मैंने सोचा कि आज कुछ वीडियो बना के पोस्ट कर ही देती हूँ। तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों से भी बात कर लूँ, काफ़ी दिन हो गया है। और आज है मेरी बेटी का बर्थडे, आज 4 मार्च है और वो गई है मंदिर और मैं नहीं गई मंदिर क्योंकि मेरी हालत ही नहीं ठीक थी। मैं मतलब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं है अभी कि मैं तैयार होके कहीं बाहर जाऊँ। तो वो अपने पापा के साथ गई है और उसका बर्थडे 3 दिन मन जाता है ऐसे समय पे, वो पैदल ही है, उसका 3 दिन बर्थडे मन जाता है। एक दिन तो वो स्कूल में, उसका एग्जाम चलता रहता है मार्च में, तो एक दिन तो वो स्कूल में पूरा टॉफी चॉकलेट जो भी होता है वो देकर आती है। उसके बाद फिर वो ट्यूशन में जाती है, वहाँ पे उसका बर्थडे मनता है, वहाँ पे करती है। फिर उसका जब एग्ज़ाम ख़त्म होता है 5-6 मार्च तक, तो फिर घर में उसके सारे फ्रेंड्स को बुला के सेलिब्रेट करती हूँ, तब केक भी कटता है उस टाइम। तो 3 दिन उसका बर्थडे मनाना पड़ता है मुझे। और मार्च तो सुनकर ही कुछ होता है, बहुत ज़्यादा टाइट मंथ होता है मार्च, और उसी में एग्ज़ाम, होली और इसका बर्थडे भी पड़ जाता है और बहुत सारे काम, गर्मी के कपड़े निकालो, ठंड के कपड़े रखो। तो आप लोग समझ सकते हो, जो भी हाउसवाइफ है वो तो समझ सकती हैं कि बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। तो इसलिए मुझे मतलब वीडियो बनाने का टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। तो आज मैं बोली कि नहीं, थोड़ा सा मैं बनाकर मैं आप लोग को जरूर, मैं आप लोग के साथ कुछ ना कुछ तो शेयर करूँगी ही। तो अभी घर में मेरे कोई नहीं है और शाम के बज रहे 8, मतलब शाम क्या रात ही हुआ, रात के 8 बज रहे। तो अभी मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और शायद कल तक वीडियो, कल तक तो चला ही जाएगा, कल तक वीडियो चला जाएगा। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा, थोड़ा छोटा ही होगा, और बर्थडे व्लॉग मैं अलग से पोस्ट करूँगी। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो का आप लोग ज़रूर देखिएगा। और एक मिनट, और वो मोबाइल में आप लोगों से बात करती हूँ ना, तो वो कुछ कुछ मैसेज आता रहता है, तो वही कर रही थी। तो ठीक है गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक ले बाय। तो गाइस, मैं बनाने जा रही हूँ पिज्ज़ा और आज बर्थडे है तो सोच रही हूँ कुछ पिज्ज़ा, क्योंकि बाहर का खाना तो अभी कोरोना वायरस चल रहा है तो आप लोग समझ सकते हो, बाहर का एकदम स्ट्रिक्टली बना है खाना। और मैं आप लोगों को भी बोल रही हूँ, सबको बताती हूँ कि बाहर का खाना अवॉइड करिए। तो मेरी बेटी का सबसे फेवरेट डिश है पिज्ज़ा, तो यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड से भी मंगा रही हूँ, कुछ पिज़्ज़ा बेस है ये, इसका 2-3 मंगवा रही हूँ। और ये है
मसरोला चीज और ये क्रीम, पिज्जा स्प्रेड क्रीम ये, और कॉर्न का बना रही हूँ, कॉर्न पिज्जा। तो कॉर्न का तो मैं भी खा लेती हूँ, मेरे हस्बैंड भी खा लेते हैं, मेरी बेटी भी खा लेती, तो मुझे कॉर्न का पसंद है। और वेजिटेबल वाला मुझे भी उतना नहीं जमता, वेजिटेबल वाला तो बस उसके स्पेशल में ये है। और 6 तारीख को मैं उसका स्पेशली सेलिब्रेट करूंगी, तो वो तो उसका मैं अलग से आप लोगों को पोस्ट करूंगी। तो आज बर्थडे है, तो थोड़ा सा तो उसको कुछ बनाकर देना ही है। तो मैं चलिए बनाती हूँ पिज्जा, फिर मैं आप लोगों को शेयर। तो गाइज मैंने ये पिज्जा बना लिया है, ये देखो। पहले मैं पिज्जा सॉस स्प्रेड की, फिर मेज़रेला चीज़ उस पर से स्प्रेड की, फिर ऊपर से कॉर्न डाली और चिली फ्लेक्स डाली, ऑर्गेनो डाली, ये वाला ऑर्गेनो, और चिली फ्लेक्स डाली हूँ ऊपर से। तो चिली फ्लेक्स चूंकि बच्चे को खाना है तो चिली फ्लेक्स कम ही डालेंगे। और ये है मेरा मेज़रेला चीज़, इसको ग्रेट करके मैं इस पर डाली हूँ। तो अब मैं जा रही हूँ इसको बेक करने, तो ये मैं डाल देती हूँ इस पर, इस पे डाल देती हूँ, और इसको मैं ले जा रही हूँ बेक करने। तो चलिए बेक करके फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैं अपना पिज़्ज़ा चेक कर रही हूँ ओवन खोलकर। तो यहाँ पर मेरा रेडी हो गया है पिज़्ज़ा, और काफ़ी जल रहा था, पर ग्लव से मैं ठीक से निकाल ही नहीं पा रही थी। तो बहुत ही अच्छा बनकर रेडी हुआ है मेरा पिज़्ज़ा। और अब मैं इसमें दूसरा रेडी करके रखी हूँ वो डाल देती हूँ। तो बहुत ही क्विक बनता है ये पिज़्ज़ा, और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो यहाँ पर मेरा दूसरा पिज़्ज़ा रेडी है। यहाँ पर हम लोग दोनों माँ बेटी पिज़्ज़ा एंजॉय कर रहे हैं, और मेरी बेटी कह रही है बहुत अच्छा बना है, बहुत टेस्टी बना है। और मेरे से भी नहीं कंट्रोल हो रहा है, मैं भी खाने में लगी हुई हूँ। और हस्बैंड को नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि वो कैमरा के सामने थोड़ा सा हिचकिचाते आने में। तो रियली बहुत टेस्टी बना है, आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मेरे वीडियो को गाइस ज़रूर देखा करिए, ज़रूर वॉच किया करिए, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ, व्यूज़ बहुत ही कम आते हैं, लाइक भी बहुत कम आते हैं। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो मेरी वॉच किया कीजिए। मैं कभी ये बात नहीं बोलती हूँ, बट आज बोल रही हूँ। तो मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।